बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज होम किचन में हम क्या बना रहे हैं? आज होम किचन में बन रहा है मसालेदार से मटन पाए। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं और मैंने बहुत ही इजी तरीके से ये बनाए हैं। तो चलें देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाए हैं मज़ेदार से मटन पाए। तो चलें चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ और बनाते हैं। तो जी ये देखें, मज़ेदार से पाए उबल रहे हैं, बकरे के पाए बना रहे हैं आज हम, क्योंकि मौसम है ठंडा ठंडा कराची का और बहुत अच्छा मौसम है, तो सोचा चलें गरम गरम से कोई पाए खाते हैं। तो पाए ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं, बस ये थोड़ी सी देर के लिए और हमने रखा है और साथ साथ हम तैयार करेंगे पाए का मसाला। तो इसके लिए हमने दो तीन दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। बॉयल करने में बता दो अच्छा जी, इसके बॉयल करने में हमने डाला है बादियाँ, वो क्या कहते हैं उसको, जो पत्ते होते हैं, हाँ पत्ते, बे लीफ डाले हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है और साबुत लहसुन, साबुत लहसुन और अदरक, ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इनको बॉयल कर लिया। तो एक मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छे से कलर भी है। तो ये बॉयल हो चुके हैं बस, तो इसको हमने 3 से 4 घंटे हो गए हैं पकते हुए, तो ये बिल्कुल रेडी है, बहुत हो रहा है ये, बहुत, ये देखें रेडी हो चुके हैं वैसे, ये देखें ये हो चुके हैं पाए। बस अब इनका मसाला रेडी करेंगे और इसको तैयार करेंगे। पाए बॉयल हो गए हैं, इसको हमने यखनी से सेपरेट कर लिया है। अब बस हम इसका मसाला रेडी करेंगे और प्याज हमने फ्राई करके उसका भी पेस्ट बना लिया है। ये हमने थोड़े से ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, मैंने थोड़ा सा 1/2 स्पून ज़ीरा उसको भून लिया है और साबुत धनिया है ये भी भुना हुआ है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं और जायफल जावित्री है, बड़ी इलायची छोटी इलायची, इसको हम ड्राई कूट लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, इसका पाउडर बना लें, लेकिन हम थोड़ा सा इसको कुटा हुआ रखेंगे ताकि अच्छा लगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलें अब हम मसाला रेडी करते हैं। ऑयल हमारा मैंने 1/2 कप लिया है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पाए। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा सा, इसको भूनेंगे लहसुन अदरक के साथ ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। लहसुन अदरक के साथ देखें बहुत अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़े से स्पाइसी बनाऊंगी, तो मैं थोड़ी स्पाइसेस ज़्यादा रखूंगी। मैं 2 से 2.5 चम्मच पिसी हुई मिर्ची डाल रही हूँ, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक क्योंकि नमक मैंने यखनी में भी रखा है, और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। हम इसको मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे, स्पाइसेस अच्छे से भुन गए हैं, तो मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ दही, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, लेकिन इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो ये बहुत डिफरेंट और मज़ेदार से बनेंगे, तो डालिए, मैंने 1/2 कप लिया है दही। अब हम इसको भूनेंगे 2-3 मिनट और, स्पाइसेस अच्छे से भून गए हैं। अब मैंने जो प्याज का बैटर बनाया है ब्राउन हुई प्याज वो ऐड कर दूंगी इसमें और इसको हम कवर करेंगे 2 से 3 मिनट, फिर इसको चने मसाला चेक करते हैं। ये देखें ये भुनने पे आ गया है, ओके ये भुन गया है मसाला, ये देखें सारे मसाले अंदर मिक्स हो गए हैं पाए में अच्छी की तरह। तो हमारी जो इसकी यखनी थी जो हमने अलग करी थी वो इसमें ऐड करेंगे,
देखें सारा हमने स्टॉक डाल लिया है यखनी का। अगर नीड हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको अभी और पकाऊंगी, तो मैं थोड़ा सा इसमें डालती हूँ 1 कप पानी। हम इसमें थोड़ी सी छोटी वाली बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर सकते हैं। तो जो हमने ड्राई स्पाइसेस निकाल के उसको पीसा था वो भी इसमें इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से पाए में आ जाए। और हम इसको 8 से 10 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो चलें चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें सारा ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। और आप चेक कर लें कि आपको कितना थिक चाहिए और या कितना पतला चाहिए। ये बिल्कुल सही है तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पहले डालूंगी हरा धनिया और थोड़ी सी मोटी कटी हुई हरी मिर्च और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और ये रेडी हो चुका है तो अब बस हम इसको करेंगे डिश आउट। फ्रेश हरा धनिया बहुत ही प्यारा लगता है, इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है इसमें। तो चलिए अब हम, तो सालन हमारा हो गया है रेडी। अब हम इस पे फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्च भी डालेंगे। और आप इसे गरम रोटी, नान या फिर बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। और मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।